बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने मैथ का काउंटडाउन टू का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन। आप लोग जो है वो पेज नंबर 64 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, 65 तक बल्कि कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट पे हम लोगों ने ये वाला पेज कंप्लीट किया था, 10 तक टेबल थे हमारे, वो हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, स्क्वायर को कंप्लीट किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपने पेज को टर्न करें, पेज नंबर 66 ओपन करें। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना सीखना है, जैसे कि एग्जाम्पल में पहले आपको दिया हुआ है। अगर आपको टेबल आते हैं तो आपको ये पेज बहुत ईजी लगेगा। वो कहता है से द टेबल, टेबल को पढ़ें, कंप्लीट दीज और इन चीज़ों को, इनको क्वेश्चन को कंप्लीट करें, ठीक है। आपने सबसे पहले 3 का टेबल 4 तक रीड किया, 3 4 12, तो इसका ये रिजल्ट आ गया। ये देखिए, ये 2 को आपने 0 के प्लेस पर राइट किया और 1 को 10 की प्लेस पर राइट किया। आपको पता है कि एक अगर डिजिट है तो उसका मतलब कि दो डिजिट आ रहे हैं, 2 और 1, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसको राइट करेंगे, इसको हम लोगों ने लिखना है, तो आपने 2 को 1 की प्लेस पर राइट करना है और 1 को 10 की प्लेस पर राइट करना है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना आ रहा तो आप बारी बारी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 3 0 0, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 3 3, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, 6 6 0 क्या होता है, 6 6 0 क्या होता है, 36। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप इसको सही से कर सकते हैं। 4 5 0 क्या होता है जी, 20। 2 को 10 की प्लेस पर राइट करें और 0 को 1 की, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 8 को आपने पहले 0 से मल्टीप्लाई करके 8 0 0 0 लिख लें, फिर 8 1 0 8। देखिए, आपने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 क्या है, 10, और आपने इसको 10 की प्लेस पर राइट करना है, 0 के साथ बिल्कुल राइट नहीं करना है, यहाँ पर राइट करना है। 9 2 0 क्या होता है, 18। 1 को 10 की प्लेस पर और 8 को 1 की प्लेस पर राइट करना है। यहाँ पे 7 5 0 35। 3 को 10 की प्लेस पे और 5 को 1 की प्लेस पे। नेक्स्ट देखिए, 4 8 0 32। 3 को 10 की प्लेस पे और 2 को 1 की प्लेस पे। नेक्स्ट देखिए, 9 5 0 45। 4 को 10 की प्लेस पे और 5 को 1 की प्लेस पे। 3 7 0 21। 2 को 10 की प्लेस पे और 1 को 1 की प्लेस पे। इसी तरह से 8 4 0 32। 3 को 10 की प्लेस पे और 2 को 1 की प्लेस पे। इस तरह से 6 8 0 48। 4 को आपने लिखना है 10 की प्लेस पे और 8 को क्या लिखना है, 1 की प्लेस पे। और 7 6 0 42। 4 को 10 की प्लेस पे और 2 को 1 की प्लेस पे। ये देखिए, लिखा हुआ है ना 1 10। इस तरह से 5 5 0 25, ठीक है। और इसी तरह से 9 3 0 27। और नेक्स्ट हमारा 6 4 0 24, ठीक है। इसी तरह से आपने 10 और 1 की प्लेस का ख्याल रखना है। नेक्स्ट 5 8 0 40, ठीक है, 1 और 10 की प्लेस का आपने ख्याल रखना है। 7 7 0 49, ठीक है, इसको बिल्कुल साथ मिला के नहीं लिखना, आपने इसको 4 को इसकी जगह पे लिखना है और 9 को इसकी जगह अपनी जगह पे लिखना है। ये 10 की जगह पे लिखा जाएगा, ये 1 की जगह पे। और 9 7 0 63, ठीक है। और 9 6 0 54। और नेक्स्ट 8 9 0 72। ये देखिए, आपने 10 और 1 की प्लेस का, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसका ख्याल रखना है, साथ मिला के इसको नहीं लिखना, ठीक है। इसको 10 की प्लेस पे रहने देना है, इसको 1 की प्लेस पे लिखना है। और 3 8 0 24, ठीक है। 8 8 0 64। 7 2 0 14, ठीक है। और आपका ये पेज कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से आपने नीट करके काम करना है, ठीक है। आपने गलत नहीं इसको भी कुछ भी करना, आपने बिल्कुल सही तरीके से आपने इसको तैयार करना है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, जब तक आपको टेबल्स नहीं आएंगे 10 तक, कम अज़ कम 10 तक आपको आने चाहिए। आपने 1 में इसको तैयार किया हुआ है 10 तक, और आप लोगों को कम अज़ कम 10 तक टेबल जो है वो आने चाहिए। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन आपको आएगी। अदरवाइज़ अगर आपको टेबल याद नहीं होंगे तो आप इसको कम्प्लीट, एक क्वेश्चन भी आप कम्प्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग समझ चुके होंगे। अगर किसी ने टेबल याद नहीं किए तो आप टेबल अभी से याद कर लें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही टेबल की बेस पे है, ठीक है। चलें जी, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।